Hello everyone, in this video of IMU for class 7, I am going to discuss chapter 3, that is data handling. Start karte hain with mathematical reasoning. First question is, study the following table which shows the production of 3 different types of cars over the years. ठीक है, ये table क्या show कर रही है? 3 type की different cars का. ठीक है, now the average production of which of the following type of cars are maximum. Car was maximum. हमें average find out करना है, means कि हमें ऑल 3 का करना पड़ेगा, मींस कार पी का एवरेज, कार क्यू का, कार आर का. तो वन बाय वन करते हैं. अगर हम पी का एवरेज लेते हैं, एवरेज का मींस क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल दीज एंड डिवाइडेड बाय 6, बिकॉज ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 इयर्स हैं, दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 6. तो एवरेज हो जाएगा एवरेज ऑफ पी इज इक्वल टू, सबसे पहले आपका क्या है, 76 प्लस 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 80 एंड ऑल डिवाइडेड बाय 6. इसको हम प्लस करते हैं, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 0 की 18. तो यहाँ क्या आएगा, 8 पावर है 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 22, 22 प्लस 7 क्या होगा, 29, 29 प्लस 8, 29 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 37, 37 प्लस 8 क्या होगा, 45. तो ये होगा 458 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, नाउ अब हम इसको डिवाइड करते हैं. तो अगर हम डिवीजन करते हैं 6 से 458 का, तो मैं यही कर देती हूँ, 6 से अगर मैंने 458 को डिवाइड किया, 6 7 42, ठीक है, माइनस किया, व्हाट इज द रिमाइंडर, 3, ऊपर से वैल्यू क्या आई, 8, 6 6 36, माइनस किया क्या आया, 2. नाउ अब रिमाइंडर क्या है, 2. अब हम क्या लेंगे, पॉइंट यहाँ इंक्रीज करेंगे 0, 6 3 18 माइनस यहाँ पे अगेन 2 आएगा, मीन्स अगेन 3 आएगा, सो ऑन आता जाएगा, तो हम 2 प्लेसेस तक लेंगे. तो एवरेज क्या हो गया, 76.33. ये किसका एवरेज था, पी का. तो हम यहाँ लिख देते हैं 76.33. क्लियर है, नाउ अब नेक्स्ट का फाइंड आउट करते हैं. नाउ अब हम एवरेज लेंगे क्यू का, एवरेज ऑफ क्यू. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, एवरेज करेंगे हम इन सब को. तो वैल्यूज क्या है यहाँ पर, सबसे पहले है 59 प्लस 6, बिकॉज 6 है. नाउ ऐड करते हैं, तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 होगा 22, 22 प्लस 7 29, 29 प्लस 8 37 की 3 पावर आई 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 6 34. तो यहाँ आएगा 34 डिवाइडेड बाई 6. अब डिवीजन करके देखते हैं, 347 डिवाइडेड बाई 6, फर्स्ट 6 5 30, माइनस किया 47, 6 7 42, माइनस किया 5, नाउ पॉइंट 0. ठीक है, 6 8 48, ठीक है, माइनस किया 2 0, 6 3 18. ठीक है, उसके आगे 3 3 आते जाएंगे, तो 2 प्लेसेस देख लेना है, मींस एवरेज ऑफ क्यू हो गया 57.83. लास्ट अब हम आर का फाइंड आउट करते, तो मैं यहीं प्लस कर लेती हूँ, एवरेज ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ प्लस करते हैं, तो यहाँ पे देखो आप प्लस करते हैं, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 8 34 की 4 पावर आई 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 3 22. ठीक है, तो नाउ एवरेज क्या हो जाएगा, 224 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, अब डिवीजन करके देख लेते हैं, तो आर की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 6 2 2 4, 6 3 18, माइनस रिमाइंडर इज 4, ऊपर से वैल्यू आई 4, 6 7 42, माइनस रिमाइंडर इज 2, पॉइंट यहाँ 0, 6 3 18, माइनस 2, अगेन 0 आएगा, मीन्स 333 आता जाएगा, बट हम 2 प्लेस तक लेंगे. तो व्हाट इज द वैल्यू, एवरेज ऑफ आर इज 37.33.
नाउ स्टेटमेंट चेक करते हैं क्वेश्चन की. एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्स वॉज मैक्सिमम. तो सबसे एवरेज किसकी ज्यादा है? पी की, बिकॉज 76.3 है, 33 है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स. तो हमें सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर्स पता होने चाहिए, देन मीन का फॉर्मूला. मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. तो सबसे पहले हम 10 ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं. ऑड मीन्स जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, और ऊपर हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे. याद रखना यहाँ ऑड की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट आएगा 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13, देन 15, देन 17, देन 19. इसके बाद 23 होता, बट आई थिंक ये हो गए हमारे 10, 3, 3, 6, 6 और 9 और 19. ठीक है, तो अब हमें क्या लेना है? मीन फाइंड आउट करना है. तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाई काउंट, मीन्स के कितने नंबर्स थे. तो सम अगर करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 7 41, 41 प्लस 9 50. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0. ठीक है, पावर क्या है? 5. तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10. तो हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10. तो व्हाट इज द वैल्यू? 0 से 0 कैंसिल, 10. 10 इज द आंसर. नाउ हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं. तो ऑप्शन क्या होगा? बी. बी इज द करेक्ट फॉर दिस. द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉय बाइक्स सोल्ड बाय रॉबिन ओवर 5 डेज. ठीक है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? कि रॉबिन ने 5 डेज में कितनी टॉय बाइक्स को सेल किया, बेचा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट ऑफ वन टॉय बाइक इज रूपी 33.60, देन हाउ मच डिड ही अर्न इन 5 डेज. तो उसने 5 डेज में कितना अर्न किया? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बाइक्स की हर डे की सेल फाइंड आउट करेंगे, मीन्स की क्वांटिटी कि उसने कितने सेल किए, देन उनको ऐड करेंगे एंड 33.60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट द आंसर. ठीक है, तो बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है. तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं. नाउ सबसे फर्स्ट डे मीन्स की दिस वन, यहाँ पर क्या है? 30, मीन्स मंडे का क्या हो गया? 30. नाउ ट्यूजडे के लिए ये लाइन है, ये लाइन कहाँ जा रही है? 80 पर. ट्यूजडे का क्या हो गया? 80. तो हम यहाँ टोटल करते जाते हैं, टोटल इज इक्वल टू मंडे का हमें 30 मिल गया प्लस 80 हमें ट्यूजडे का मिल गया. नाउ वेडनेसडे के लिए दिस लाइन, दिस वेडनेसडे 40, थर्सडे 60 प्लस फ्राइडे 70. ठीक है, टोटल फाइंड आउट करते हैं, इनको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? दैट द फर्स्ट डिजिट 0, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 6 21, 20 प्लस 7 28, 280. ठीक है, तो उसने टोटल 5 डेज में कितनी कार सेल की? 280. नाउ अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, देन हाउ मच डिड ही अर्न इन 5 डेज. ठीक है, वो कितना अर्न करता है? तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 33.60 से. ठीक है, तो करते हैं, कॉस्ट ऑफ वन बाइक इज 33.60 मल्टीप्लाइड विथ टोटल बाइक्स. इसको करते हैं, ठीक है, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, देन यहाँ क्रॉस, नाउ एट से मल्टीप्लाई करेंगे, 800, 8 6 48 की 8, पावर आई 4, 8 3 जार 24, 24 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 28 की 8, पावर आई 2, 8 3 जार 24, 24 प्लस 2 क्या होगा? 26. नाउ अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 या क्रॉस कुछ भी लिख सकते हो, 200, 2 6 जार 12 की 2, पावर आई 1, 2 3 जार 6 प्लस 1 क्या होगा? 7, और 2 3 जार 6. नाउ इनको प्लस करें, यहाँ क्या आएगा? 0, 0, 8 प्लस 0 से 8, 8 प्लस 2 से 10 की 0, पावर आई 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 14 की 4, पावर आई 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 क्या होगा? 9. नाउ डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद है? 2, तो यहाँ पे होगा डेसिमल. नाउ उसने कितना अर्न किया? 9408. नाउ हम अपना ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 9408, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस.
नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है द मोड एंड मेडन ऑफ द गिवन डेटा दीज डेटा रेस्पेक्टली आर. तो हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है एंड मेडन निकालना है. तो हमें दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मोड का मीन्स होता है जो सबसे ज्यादा आकर हुआ, जो सबसे ज्यादा आकर हुआ. ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम देखो क्या है, 21 कितनी बार हुआ है, 21 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 times, 1, 2. ठीक है, नाउ 22 की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करें तो ओनली 1 है. फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार हुआ, 1. अरे 20 भी था, तो 20 कितनी बार है, वो भी 1 बार है. 22 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया. नाउ 23 के लिए चेक करो, 1, 2, 3. 23 की फ्रीक्वेंसी क्या आई, 3. उसके बाद एक और एलिमेंट है 24 की क्या है, 1. और 25 भी कितने टाइम्स हुआ, 1 time. ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 की. मींस की मोड ऑफ दीज नंबर्स इज 23. तो नाउ वी हैव टू ऑप्शंस विथ 23, दैट इज ए और डी. इन दोनों में से कोई एक होगा, बट अभी उसका टू सेकंड पार्ट है. अब हमें बताना है मेडन. मेडन का मीन्स होता है सेंटर. तो अब मेडन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कितने एलिमेंट्स हैं, पहले उनको लो और उसका मेडन निकालो. कैसे, देखो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो मेडन का फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल टर्म्स कितने हैं, 9. तो मेडन इज इक्वल टू 9 + 1/2 टर्म. अगर ऑड है तो ये, इवन होता है तो बस उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 1/2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10/2, मीन्स 5th टर्म. ठीक है, या 5th टर्म. तो पहले इनको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 20, देन 21. और 21 कितनी बार है, 2 times, देन है 22. ठीक है, 22 1 time था, देन 23 3 times, 23 23 23, देन 24 एंड 25. ठीक है, अरेंज जरूर करना है इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, नाउ 5th टर्म क्या हो जाएगा, 23. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, 23 23, दोनों जिसमें हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 5, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35. क्या हुआ, 9 ऑब्जर्वेशन ली गई और उनका एवरेज और मीन क्या आया, 35. लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18. क्या पता चला कि जो एक रीडिंग थी दैट वॉज 81, बट हमने उसको क्या रीड किया, 18. देन द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, तो करेक्ट मीन क्या होगा. तो इसको सिंपल हमें क्या करना है कि हमें, या तो हम सिंपल क्या करें कि जो इनका डिफरेंस है 81 और 18 का, उसको हम ऐड कर दें टोटल वैल्यू से. उसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले एवरेज जब लिया गया तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल. एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है. तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर, जितने भी हों, लेट एन नंबर से. एंड सम यहाँ पे क्या है, एवरेज मीन वैल्यू क्या आई है, 35. सम हमें पता नहीं और ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 9. एन की वैल्यू क्या थी, 9. तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 35 × 9. मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 5 = 45 की 5 power i 4, 9 × 3 = 27, 27 + 4 क्या होगा, 315. ठीक है, अब जो मिसरीड किया था, डिजिट वॉज 81 और हमने रीड किया क्या, 18. तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 1 से 8 माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा, 3, बिकॉज ये बोरो करेगा 8 से, तो 11 बन जाएगा. नाउ 8 ने बोरो दिया था तो 7 हो गया, 7 से 1 गया 6, 63 कम था. तो नाउ एक्चुअल सम क्या हो जाएगा, एक्चुअल सम इज इक्वल टू 315 + 63. क्या आ जाएगा, 5 + 3 = 8, 1 + 6 = 7 and 3. ये हो गया एक्चुअल सम. तो अब हमारा मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाई 9. 9 से डिवाइड करें, ठीक है, 9 × 4 = 36, बचा क्या 1, 37 से 36 को माइनस किया तो क्या हो गया, 1 = 18, 9 × 2 = 18. तो व्हाट इज द मीन वैल्यू, 42. मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल शोज द साइज ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ्स, फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा. मॉड अभी हमने आपको बताया था, मॉड का मींस जिसमें सबकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो. तो हम वो चेक करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज्यादा किसकी आपको दिख रही है, फ्रीक्वेंसी देखो आप, यहाँ पर है 10, 12, 25, 20, 25, 15 and 11. तो यहाँ पर हमें दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है, एक तो 4 की और दूसरी हमें 6 की. तो अब हमारा कुछ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बोथ 4 and 6, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस.
the mean of 5 number is 20. If one number is excluded, mean of the remaining number becomes 23. Then the excluded mean of 5 numbers kya hai 20, means ki 20 is equal to sum divided by 5. ठीक है, तो ये sum जो हुआ sum of 5 number is equal to 20 into 5 is equal to 100. ठीक है, नाउ अब सेकेंड लाइन क्या है, मीन अगर हमने इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक हमने हटा दिया तो कितने बचे 4, और उसका मीन क्या आया 23. यहाँ मीन्स कि यहाँ क्या हो गया 23 इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 4. तो अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल टू 23 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 3 12 की 2 पावर आई 1, 4 2 8 और यहाँ क्या आएगा 9. ठीक है, क्योंकि पावर थी. अब इनका डिफरेंस क्या है 8, तो हमारा जो नंबर होगा जो एक्सक्लूडेड वाला वो क्या होगा 8, मीन्स कि डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. ठीक है, डायरेक्शन है, द गिवन बार ग्राफ शोज द हाइट्स ऑफ 6 माउंटेन्स पीक्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है 8th वाला, विच पीक इज द सेकेंड हाइएस्ट. सेकेंड हाइएस्ट क्या है, तो इसमें हमारा सेकेंड हाइएस्ट हमें क्या दिख रहा है, इसमें सेकेंड हाइएस्ट क्या दिख रहा है, दिस वन, ये हाइट. तो ये क्या है आर की, मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. इसमें जरूरत नहीं है आपकी कैलकुलेट करो, वैसे पता चल जा रहा है. इफ यू वांट टू कैलकुलेट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. आर की यहां पर कहां से आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, आर जो है वो 8000 एंड 9000 के बीच में है, मींस कि ये क्या होगा 8500 या 8500 मीटर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पीक पी टू दैट ऑफ पीक टी, मीन्स कि अब हमें पहले पी और टी की हाइट पता करनी है, देन उनका रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं. पी हमारा कहाँ है, दिस वन, मीन्स कि इसकी क्या हो गई 800, एंड टी हमारा क्या है दिस वन, इसकी क्या हो गई 900. तो इनका रेशियो क्या हो गया पी डिवाइडेड बाई टी, बेसिकली दिस इज द हाइट ऑफ पी ऑफ पी एंड हाइट ऑफ टी. तो पी की क्या थी 8000, इसकी क्या थी 9000, 0 से 0 कैंसिल, क्या वैल्यू आई 8/9. Which answer is correct? C. Option C is correct for this. If the heights of the given peaks are written in descending order, descending order में means कि हम decrease होते हुए लिखेंगे, सबसे कम last में आएगी, सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा. ठीक है, then what is the average of the heights of last 3 peaks, means कि जो सबसे छोटी 3 heights हैं उनका हमें average चाहिए. तो हम चाहे तो सबका find out करें या last 3 को ही देख लें. देखो ये 3 तो हो गई सबसे हाइट, जिनकी सबसे ज़्यादा हाइट है. ठीक है, अब हमें लास्ट 3 चाहिए, तो हमारी क्या हो जाएगी दिस वन एंड दिस वन, इनकी हाइट देखते हैं. दिस वन इज एग्जैक्टली 6000, 7 and 8 के बीच में, मीन्स की 7500, ये 7 and 6 के बीच. ठीक है, हमें हाइट पता चल गई, तो इनका एवरेज लेना है, तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं. फर्स्ट हमारी जो हाइट होगी वो है 6000, देन इसकी हाइट क्या है 6500, इसकी हाइट क्या है 7500, प्लस करते हैं 0 0, 5 5 से 10 की 0, पावर आई 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 7 क्या होगा 20. ठीक है, तो दिस इज़ द हाइट. अब इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 11, गरिमा कलेक्टेड द डेटा रिगार्डिंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ हर क्लास एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल. डन, अ स्टूडेंट इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द क्लास फॉर सम कॉम्पिटिशन. एक स्टूडेंट को हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट इज द हाइएस्ट हुज हाइट इन इज इन द इंटरवल. अब हमें बताना है कि किस हाइट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि जिस इंटरवल के बच्चे, मींस कि जिस वेट ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी. तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट किसकी है, 25 फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 यहाँ है, तो ऑब्वियसली इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर होगा 56 से 61, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन है, द गिवन बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट इन 5 डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट. तो हमें बताना है सबसे ज्यादा वीट कहाँ हो रहा है, वीट के लिए वाइट वाला है सबसे लार्जेस्ट. आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका है, इसका है, मीन्स कि यूपी हो जाएगा. तो 12 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है ना, क्वेश्चन फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिया मेड द फॉलोइंग वर्ड विद द
टाइल्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में आया. इफ शी पिक्स टाइल फ्रॉम द वर्ड शी मेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ टाइल विच इज अ बॉबल ऑन इट. अब सबसे पहले तो हमारे बॉबल इसमें कौन कौन से हैं वो देखने पड़ेंगे, ठीक है. अब इसमें हमारे जो बॉबल हैं देखो कितने हैं, एक तो ए है, ई है, आई है और ए, फोर टाइम्स है ना, फोर टाइम वॉवल हैं. तो अब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फोर, क्योंकि वॉवल्स हैं. और टोटल टाइल्स कितनी हैं वो काउंट कर लो आप. तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मींस 4 by 11. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. द प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ अ सोसाइटी मेड द स्कोर इन ए वन डे मैच एज फॉलोज, ठीक है. फाइंड द मेडन स्कोर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या प्रॉपरली अरेंज करेंगे, ठीक है. तो जब हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, 0, देन क्या होगा 8, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा, उससे बड़ा नंबर क्या है 12, देन क्या है 15, देन क्या है 18, उसके बाद क्या है 23, दिस इज 18, 23 के बाद क्या है 27, 27 के बाद क्या है 29, 29 के बाद 35, 35 के बाद 49, 49 के बाद 50, 50 के बाद 54 एंड लास्ट में है 63. तो टोटल कितने हो गए, 1, यहीं से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. मेडन क्या हो जाएगा, मेडन स्कोर इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. 13 प्लस 1 क्या होगा, 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, मीन्स 7th एलिमेंट. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सोनी हैज़ डिजिट कार्ड्स 1, 4 and 7. शी मेक्स 2-digit नंबर यूजिंग ईच कार्ड ओनली वंस. द प्रोबेबिलिटी दैट अ 2-digit नंबर चूजन एट रैंडम इज डिवाइजेबल बाई 2. तो अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी में बतानी है कि नंबर हमारा डिवाइजेबल बाई 2 हो, मीन्स कि जो कि हमारा इवन नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स क्या हो जाएंगे, कितने, ठीक है, 2-digit के कॉम्बिनेशन से बनाने हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वो पेयर्स बनाने होंगे. सबसे पहला पेयर हमारा हो गया 1, 7, 1, 4, एक फिर जस्ट अपोजिट कर दो 41, 71. नाउ इनको कंबाइन कर दो 4, 7 and 7, 4. तो ये टोटल कितने बन गए, 6, ठीक है. टोटल नंबर्स जो बनेंगे 2-digit के वो हमारे कितने होंगे, 6. टोटल नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स इज इक्वल टू 6. अब इन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ 2-digit इवन नंबर, जो इवन हो इसमें से ऑड क्या है, ये गया ऑड, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो कितने हैं, 2, ओनली 2 हैं. इवन नंबर्स इज इक्वल टू 2. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 divided by 6, ठीक है. मीन्स इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 by 3. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग कंटेन्स रेड, वाइट एंड ब्लू पेंसिल्स, ठीक है, 3 कलर्स हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड पेंसिल इज 2 by 13 एंड दैट ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू पेंसिल इज 4 by 13. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ वाइट पेंसिल. तो इन्होंने बताया कि रेड की जो प्रोबेबिलिटी है 2 by 13 है, मीन्स कि रेड पेंसिल कितनी है इनके पास, 2 है. ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 by 13 है, मीन्स कि उनके पास ब्लू पेंसिल्स कितनी है, 4. तो अब हमें अगर वाइट की चाहिए तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब ऑप्शंस देख लो आप इस तरीके से हैं. तो हमारे पास टोटल कितनी है, जितने हमारे क्या होते हैं बेस में वैल्यूज, मीन्स की 13. तो देखो दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करें कि यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू कितनी है. टोटल कहाँ से पता चल जा रहा है, यहाँ से कि दिस वैल्यू शोज द टोटल. तो हम एक तो ऐसे कर सकते हैं कि हमने लिखा 13 माइनस रेड माइनस ब्लू, क्या है कि वैल्यू 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, तो हमें मिल जाएगा 7 by 13. ये तो ईजिएस्ट वे हो गया. अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो
कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मीन्स की 2/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मीन्स 4/13, ऐसे भी कर सकते हैं। इस केस में एलसीएम क्या आएगा, 13, यहाँ कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में, तो 13 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 7/13। तो दोनों मैथड में से आप कोई भी मैथड यूज कर सकते हो, बोथ इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, अ फेयर डाइस हैज फेसेस नंबर 0, 1, 7, 3, 5 एंड 9। डाइस है तो ऑब्वियसली सिक्स फेसेस होंगे, सिक्स फेसेस होंगे तो उस पर सिक्स नंबर्स होंगे। इफ इट इज थ्रोन, अगर इसको फेंकते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज, तो सबसे पहले यहाँ ऑड नंबर्स देखो, वन है, सेवन है, थ्री है, फाइव है, नाइन है, फाइव ऑड नंबर्स हैं, सिक्स फेसेस हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, तो सिंपल है, जितने ऑड नंबर्स मीन्स फाइव एंड जितनी टोटल है नंबर्स मीन्स सिक्स, 5/6 मीन्स की सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, क्या करा हमने, ऑड को काउंट किया, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स कि हमारे ऑड नंबर्स के आने के क्या चांसेज है, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, तो हमारा 5/6 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चंस फ्रॉम अचीवर सेक्शन, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स वॉर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज, ठीक है, ये रिजल्ट है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, सबसे पहले इसकी रेंज, रेंज निकालनी होगी तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हाइट, बेसिकली हाइट है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है 166, ये हो जाएगी 166, और मिनिमम हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर 135। अब इनका हम डिफरेंस ले लें तो हमें रेंज पता चल जाएगी, 6 से 5 माइनस किया 1, 6 से 3 माइनस किया 3, 31। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर बी होगा और डी होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है, व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो इनकी एवरेज हाइट निकालनी है, हमें मीन चाहिए तो इनको सबको प्लस करना पड़ेगा, मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सम कर लेंगे, मीन इज इक्वल टू 147 प्लस 139 प्लस 135 प्लस 136 प्लस 149 प्लस 166, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लस 152 प्लस 163 प्लस 165 प्लस 144, इन सब का समेशन डिवाइडेड बाय जितने हमारी हाइट्स हैं, जितने बच्चे हैं, तो 10 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो 10, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, आप रफ कॉपी में आप प्लस करो, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1486 डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 1 10, ठीक है, बचा क्या 4 4 एंड 8, 10 4 48, बचा क्या रिमाइंडर 8, अब नाउ 86, तो 10 8 80, बचा क्या 6, तो डॉट और 6 के आगे 0 बढ़ाया, 10 6 60, ठीक है। तो ये हो गई एवरेज हाइट, तो अब देखो इन दोनों ही ऑप्शन में है, वैसे हम इसको छोड़ सकते थे बिकॉज बी एंड डी दोनों में ही 148.6 था, तो हमारा टाइम बच जाता और हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, हमें यहीं से वैल्यू मिल जाती, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, बट ये तो लकली है कि दोनों 31 के साथ इन्होंने एवरेज वैल्यू सेम दे रखी है, इन केस नहीं होती तो उस केस में आप मीन ऐसे निकालते, बट इन फॉर दिस क्वेश्चन बोथ ऑप्शंस में मीन की वैल्यू गिवन थी तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी। नाउ इसका लास्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज हाइट इज मोर देन द मीन हाइट, तो अब इसमें से सबसे हाई, इससे ज़्यादा कितने बच्चों की है, तो देखो 149 एक ज़्यादा है, 166 ज़्यादा है, 152, 163, 165 मीन्स की 5, क्या है 5, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ डेक ऑफ कार्ड्स कंटेन्स नंबर फ्रॉम 1 to 25, इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, सबसे पहले तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर प्राइम नंबर्स कितने हैं, ठीक है, 1 से 25 के बीच में, तो 25 और 1 के बीच में प्राइम नंबर्स है 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, 23, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और टोटल कार्ड्स कितने हैं 25, तो 9/25। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं तो बी खत्म, डी खत्म, बिकॉज ए एंड सी में दोनों में सेम है। अब देखो बी वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बी में यहाँ भी 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है, ठीक है, एक तो है कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे थर्ड को कर लें, बट स्टिल अगर आपको समझना है तो हम कर सकते हैं। नंबर ग्रेटर देन 15, 15 से ग्रेटर नंबर्स कितने होंगे, 25 है ना, और 25 के बाद 25 तक है, तो 15 से ग्रेटर नंबर कितने होंगे, आपको ज़रूरत नहीं है बट स्टिल आपने करना है तो आप कर सकते हो, वो नंबर हो जाएंगे 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है. तो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी? 10 बाई 25. अब 5 की टेबल से डिवाइड किया तो 2 बाई 5. ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको किया कि इनके सेम नहीं होता. जैसे यहाँ तो लकली दोनों में ही सेम था तो हमें करने की जरूरत नहीं थी. नाउ अब हम करते हैं सी, मल्टीपल ऑफ 4. अब हमें फाइंड आउट करने हैं कितने मल्टीपल ऑफ 4 हैं. तो सबसे पहला मल्टीपल फॉर 4 क्या हो जाएगा? 4. देन क्या होगा? 8. देन क्या होगा? 12. देन क्या होगा? 16. और देन क्या होगा? 20. देन क्या होगा? 24. दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4. ये कितने नंबर्स हो गए हमारे? 6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 6 डिवाइडेड बाई 25. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. 20 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. द गिवन बार ग्राफ शोज द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ कलर टीवीज ऑन 5 कंपनीज. करेक्ट, दिस इज यहाँ जहाँ गैपिंग है वो लाइन ऐसे ऐसे जो दिख रही है लाइन्स. दिस ग्राफ शोज डिमांड एंड दिस शोज प्रोडक्शन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर? और नो, सारा प्लस करना पड़ेगा. चलो भाई जी कर देते हैं, सिंपल ही है वैसे तो. नाउ एवरेज डिमांड ऑफ कंपनीज क्या हो जाएगा? एवरेज डिमांड इज इक्वल टू प्लस, सबसे फर्स्ट क्या है? 3000 प्लस 600 प्लस 2500 प्लस 1200 प्लस 3300. ठीक है, अब इनको हम प्लस करते हैं लास्ट की, और ये क्या हो जाएगा? सबके समेशन को हम डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5. देन वी गेट द एवरेज. तो लास्ट की टू डिजिट सबकी जीरो है तो हमने लिख दिया 0. देन 0 6 क्या होगा? 6. 6 प्लस 5 क्या होगा? 11. 11 प्लस 2 क्या होगा? 13. 13 प्लस 3 क्या होगा? 16. की 6 पावर आई 1. तो यहाँ 1 ऐड हुआ तो 1 प्लस 3 4. 4 प्लस 2 6. 6 प्लस 1 7. 7 प्लस 3 10. ये डिवाइडेड बाय 5. 5 से डिवाइड करेंगे. 5 टू ज़ा 10. 5 वन ज़ा 5 बचेगा क्या? 1. 1 और 0 से क्या होगा? 10. 5 टू ज़ा 10 और 0. 2120. दिस इज द एवरेज ऑफ डिमांड. तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, एवरेज ऑफ डिमांड क्या हो गया? 2120. ये किसके लिए है? एवरेज ऑफ डिमांड. अब हमें चाहिए एवरेज ऑफ प्रोडक्शन. इज इक्वल टू फर्स्ट पे क्या है? 1500 प्लस सेकेंड पे क्या है? 1800 प्लस नेक्स्ट पे क्या है? 1000 प्लस उसके नेक्स्ट पे क्या है? 2700. लास्ट पे क्या है? 2200. एवरेज है तो समेशन डिवाइडेड बाय 5. सम करते हैं. लास्ट की टू डिजिट सबकी जीरो है तो 0. नाउ 5 प्लस 8 13. 13 प्लस 0 13. 13 प्लस 7 20. 20 प्लस 2 क्या होगा? 22 की 2 पावर है 2. तो यहाँ ऐड होगा 2 प्लस 1 3. 3 प्लस 1 4. 4 प्लस 1 5. 5 प्लस 2 7. 7 प्लस 2 क्या होगा? 9. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5. 5 की टेबल से डिवाइड किया. 5 वन ज़ा 5 क्या होगा? 4. 4 एंड 2 42. तो 5 एट ज़ा 40 बचा क्या? 2. 2 एंड 0 से 5 4 ज़ा 20 और 0 1840. नाउ अब हमारे डिफरेंस निकालना है. तो पहला ये था डिमांड 2 एंड इसका डिफरेंस, मींस कि हमारा क्या हो जाएगा? 2120 1840. डिफरेंस 0 से 0 माइनस क्या? 0. 2 से 4 जाएगा नहीं, बोरो करेगा. इट बिकम 0, इट बिकम्स 12. 12 से 4 माइनस किया 8. 0 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा. 1 यहाँ आया, यहाँ 10. 10 से 2 8 गया 2. 1 से 1 गया 0. तो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन है हमारा 280. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.